पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, एक आरोपी रिहा, पीएम मोदी की थी रैली। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने लगाए आरोप, जिला पंचायत सदस्यों ने आरोपों को किया खारिज, कहा राजेंद्र भंडारी की छवि को किया जा रहा है तूती। हरिद्वार में परिजनों ने बच्चों की मौत पर किया जमकर हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही से इलाज करने का आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पाली में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, मारवाड़ मुख्यालय राजकीय अस्पताल में की गई बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फरुखुद्दीन को रिहा कर दिया है, वहीं हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्ला, अमर सिद्दीकी, फिरोज असलम, इम्तियाज आलम सहित 9 को सजा सुनाने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। 1 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी और इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। गौरतलब है कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस संभाला और 1 नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था और उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी। वहीं जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग आरोपित को पहले ही 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की ये रैली थी 2013 का, ये पूरा मामला है जहां पर गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और गांधी मैदान बम ब्लास्ट में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि ऐसे में कई 9 आरोपियों को बताया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान एक की मौत भी हो गई थी। वहीं जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग आरोपित को पहले ही 3 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर अचानक खटीमा पहुंचे और इस दौरान सीएम ने खटीमा तहसील परिसर में जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं उन्होंने खटीमा में चल रहे निर्माण कार्यों और सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं पर क्या कार्रवाई की गई इस विषय में भी अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का जो संकल्प है उसको लेकर भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से अब एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और ऐसे में मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की जो योजना थी, संकल्प लिया गया था, उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अब तक किया गया, कितना काम बाकी है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए और ऐसे में जानकारियां जुटाई। और साथ ही आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जानकारी भी ली गई है। बहुत सारे जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं सबकी समीक्षा करी और सभी अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द जो है कामों को पूरा करें और जो हमारा गड्ढा का ध्यान है वो गड्ढा मुक्त का ध्यान पूरा करें। जो योजनाएँ हमारी 70% 80% हो गई है उनको जल्द से जल्द 10 नवंबर तक पूरा करें और जो काम शुरू है वो जल्दी से जल्दी उनको पूरा करने के लिए कहा समीक्षा काफ़ी दौर से यहाँ पर समीक्षा। जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष की तरफ से सदन में कभी भी इस तरह के मुद्दे पर बात नहीं की गई और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित साधने की ओर बीजेपी के प्रभाव में आकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप भंडारी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें राजेंद्र भंडारी पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं और ऐसे में जिला पंचायत सदस्यों ने आरोपों को खारिज कर दिया है।
देखो जी, जो भ्रष्ट होता है वो दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी खुद भ्रष्ट हैं और हमारे पास उनका पूरा काला चिट्ठा है, तो उपाध्यक्ष जी जल्दी हम जिला पंचायत के कुर्सी से उनको भी उतारेंगे। जो ऑडियो वायरल हो रहा वो है फ्लैट का, वो आपने सुना होगा, उसमें माननीय हमारे भंडारी जी कह रहे माननीय उपाध्यक्ष जी आप साइन कर लो, क्योंकि एग्रीमेंट बनाए वो साइन तक नहीं कर रहे थे, और कई सालों से वो उस फ्लैट किस चीज, कई सालों से वो हमारे फ्लैट पे हैं जी, कि हमने अभी तक एक रुपए उपाध्यक्ष जी द्वारा किराया नहीं दिया, तो ये कोई अपना घर है वो खाली करवाना गुनाह है क्या? आप बताइए, आप तो चौथे स्तंभ में और हमारे जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है आप लोग सच्चाई आप उजागर कर सकते, किसी पे झूठा आरोप लगाना हम भी कह सकते। उसमें मैं कह रहा हूँ कि प्लीज उपाध्यक्ष जी मेरा फ्लैट छोड़ दो, ये रेंट का कागज है इसमें आप साइन कर दो, मेरा घर छोड़ दो। कई समय से देहरादून स्थित फ्लैट में वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमने लीगल नोटिस भी उनको दिए, तीन तीन नोटिस दिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। हमने आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप सिद्ध हुए हैं और इन सिद्ध आरोपों को सरकार के संज्ञान में सरकार ने नोटिस दे रखा है। नोटिस का उन्होंने क्या जवाब दिया ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन इतना हमारा ये कहना है कि वो स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनको जाना चाहिए। उन्होंने जो उनको जो ताकत मिली है जिला पंचायत अध्यक्ष की, उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया। हरिद्वार के शिवालिक नगर के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 1.5 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने लीलावती अस्पताल पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया। लीलावती अस्पताल के स्टाफ ने पहले 1.5 घंटे तक गुमराह करते हुए परिजनों से कहा कि बच्चा ठीक है और अचानक बच्चे को मृत घोषित कर शव परिजनों को दे दिया, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर लीलावती हॉस्पिटल में लापरवाही का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से, और ऐसे में आपको बता दें कि 1.5 साल के बच्चे का वहाँ पर इलाज चल रहा था। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इलाज में लापरवाही की गई जिससे उनके बच्चे की जान चली गई। हालांकि जब पहले तो अस्पताल के स्टाफ ने गुमराह किया परिजनों को, और जब परिजनों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया तो उसके बाद जमकर परिजनों ने वहाँ पर अस्पताल परिसर में हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने सभी को समझा बुझा कर मामले को शांत करा दिया है। उत्तरकाशी में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी की तरफ से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर सभी तीर्थ पुरोहित कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से किसी भी समिति तीर्थ पुरोहितों से कोई भी बातचीत नहीं की गई, केवल अपने स्तर से ही एक रिपोर्ट बना करके सरकार को दे दी गई है, जिसका तीर्थ पुरोहित और 4 उद्धाम के हक हुकूकधारी विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए अंतिम रणनीति भी बनाई जा रही है। तो आपको बता दें लगातार जो है ये तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मांगे सुनी नहीं जा रही और इसीलिए तीर्थ पुरोहितों से कोई भी बातचीत नहीं की गई। चमोली में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में मौसम का मिजाज बदल गया है और आसपास के पहाड़ियों में फिर ओले कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बाद भी तीर्थ यात्रियों की भगवान श्री हरि नारायण के प्रति आस्था, भक्ति, जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। इन दिनों धाम में पवित्र कार्तिक मास के दौरान तृप्त कुंड और विष्णु पदामा अलकनंदा नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को दूर करने के लिए बद्रीनाथ धाम के कारोबारियों ने अब अलाव का सहारा भी लिया है, तो तीर्थ यात्री भी गर्म कपड़े, जैकेट और दस्ताने लगाकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के साथ ही बर्फबारी और ठंड का भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अभी से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ठंड एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों का, श्रद्धालुओं का वहां पर आना भी बंद नहीं हुआ है और ऐसे में वहां के कारोबारियों ने भी अलाव का सहारा लिया और जो श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं वो भी गर्म कपड़े पहनकर बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं।
रुड़की में दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में 5 साल की मासूम अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। जिस उम्र में बच्चे को स्कूल के आंगन में पढ़ना और खेलना चाहिए था, उस उम्र में ये मासूम सड़कों पर करतब दिखा रही है। इस उम्र के पड़ाव में बच्चे जमीन पर चलने में लड़खड़ा जाते हैं और ये मासूम बच्चे बिना डरे रस्सी पर चलकर लोगों को तमाशा दिखा रही है और लोगों का हुजूम बच्चे के करतब पर तालियां भी बजा रहा है। इन्हीं सड़कों से बड़े बड़े समाज सेवी और प्रशासन के नुमाइंदे भी गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इन बच्चों को इस मुसीबत से निकालने की जहमत तक नहीं उठा रहा। सड़कों पर दम तोड़ता बचपन देश का भविष्य कैसे बनेगा, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। तो ऐसे में रुड़की में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से 5 साल की छोटी सी नन्ही मासूम बच्ची करतब दिखाकर और ऐसे पैसे मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। जिस उम्र में बच्ची को खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में ये बच्ची इस तरह से करतब दिखा रही है और अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। हालांकि अभी तक ना तो प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान गया है, ना ही किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर ये कहें कि मंत्री विधायक का इस ओर ध्यान गया है। हालांकि इस सड़क से रोजाना बड़े बड़े नुमाइंदे गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची के करतब पर किसी ने नजर नहीं डाली और किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं। मधुबनी के मधेपुर ब्लॉक में बाढ़ के बाद डायरिया ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डायरिया से मां बेटे की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में 2 दर्जन लोग बीमार हो चुके हैं। मां बेटी में डायरिया का लक्षण देखा गया, परिजनों ने दोनों को अस्पताल ले जाया और ऐसे में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं बच्ची रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी और एक साथ 2 मौत से स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गया। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को प्रभावित गाँव में भेजा गया है। तो ऐसे में मधुबनी में लगातार डायरिया का कहर अब जारी है। पहले तो बाढ़ से लोग परेशान थे, लेकिन अब बाढ़ के बाद डायरिया का कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मां और बेटी ने डायरिया की वजह से दम तोड़ दिया, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग जो हैं वो चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में डायरिया का एक बार फिर से कहर मधुबनी में देखा जा रहा है। जी, ये लालू देवी पति नसीब सदाए, उम्र 28 साल, राघोपुर पतिपट्टी से डायरिया वोमिटिंग सफ़र कर रही थी और वो हॉस्पिटल 7:30 बजे करी आए। लोग पूरी जो व्यवस्था यहाँ तमाम दवा दे गए और वो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन 3-4 घंटे के बाद फिर अचानक उनके पेट में तेज दर्द हुआ और उसके बाद वो उनकी हालत गंभीर होने लगी और हम लोग जब तय करें देखे वो कलर्स। बिहार में मोतिहारी के चकिया ब्लॉक के सागर पंचायत से प्रत्याशी सुनील सिंह को मुखिया बनाने के लिए मतदाताओं ने संकल्प लिया है। सरकारी योजनाओं में लूट खसूट और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुखिया प्रत्याशी सुनील सिंह ने जनता से अपील की। सुनील सिंह ने कहा कि आपका साथ और आशीर्वाद मिला तो पंचायत शोषण मुक्त बनेगा और ऐसे में पंचायत में सरकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाने, गरीबों को स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, आवास, शिक्षा और योजनाओं को लाभ, सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया है। सुनील सिंह ने कहा कि फैसले की घड़ी है, आप एक गलत फैसला पंचायत और आपके 5 साल के लिए अंधेरे के गर्त में डाल देगा। देखिए, अब जो है कि जनता पूरा मन बना चुकी है। पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में आप आए। सबसे पहली बात है कि पंचायत की जनता जो है कि बदलाव का मूड जो है कि पूर्ण रूप से बना चुके हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के बाद पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के
विसर्जन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विसर्जन की बात छोड़िए, लालू जी चाहें तो गोली ही मरवाते। आपको बता दें कि लालू यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि वो बिहार की नीतीश सरकार का विसर्जन करने के लिए दिल्ली से बिहार आए हैं। नीतीश कुमार ने दोनों विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के बाद कहा कि जनता का मूड उनके समर्थन में है और दोनों जगहों पर एनडीए की जीत हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के चुनाव प्रचार को कर कहा कि लालू जी जाए, चुनाव प्रचार पर किसी ने रोका तो नहीं है। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि लालू जी जाए, चुनाव लड़ने किसी ने रोका नहीं है। और ऐसे में लालू यादव पर निशाना भी साधा, उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर एनडीए की जीत हो रही है, जिसको जितना दम लगाना है वो लगा ले। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के चुनाव प्रचार को लेकर भी कहा कि लालू जी जाए, चुनाव प्रचार पर किसी ने रोका नहीं है। तो ऐसे में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है बिहार में, उसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आज लालू यादव को भी चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया, काफी लंबे समय बाद वो मैदान में, चुनावी मैदान में नजर आए, और इसको देखते हुए एक बार फिर से अब उपचुनाव को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। और जनता का मूड क्या है ये हमारे बोलने की अपेक्षा आप लोग अनुभव करके बता सकते हैं, अपने जो भी आपके मित्र हैं वहां, पत्रकार मित्र हैं, वही लोग बता देंगे। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम था, ये कल भी था और आज भी था, आज सब तीन जगह मीटिंग करके अभी लौट गए। अब जनता मालिक है, फैसला करे, जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोगों को क्या कर। रोहतास के सासाराम में एसपी जैन कॉलेज के खेल मैदान पर रोहतास जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पासवान और चयनकर्ता दीपक कुमार, अमित कुमार की देखरेख में कुछ बिहार अंडर 19 के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। और अंडर 19 के ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों और 4 स्टैंड बाय खिलाड़ी बीसीए की तरफ से आयोजित 27 से 30 अक्टूबर से मोइनुल हक स्टेडियम पटना में होने वाले कुछ बिहार अंडर 19 में ट्रायल में भाग लेंगे। तो आपको बता दें अंडर 19 के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं। रोहतास में रोहतास जिले के चयनित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और ऐसे में अंडर 19 के लिए ट्रायल लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर तक ये ट्रायल लिया जाएगा। आज एसपी जैन कॉलेज में अंडर 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे ट्रायल लिया गया। जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा और चयन ऑलमोस्ट लिस्ट बन गया है और कुछ देर बाद हम लोग औपचारिक घोषणा करेंगे। और 7 लड़के जाएंगे खेलने के लिए, 3 बच्चे स्टैंड बाई में रहेंगे। तो परफॉर्मेंस के आधार पर जो बच्चे अच्छा करेंगे उनका नाम हम भेजेंगे यहाँ से। और काफ़ी बच्चों ने अपना ट्रायल दिया, यहाँ पर अपने प्रतिभा को दिखाया। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको हम ऊपर भेजेंगे। राजस्थान के पाली जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीज के केसों को देखते हुए मारवाड़ मुख्यालय राजकीय अस्पताल पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने सभी चिकित्सा अधिकारियों, हेल्थ वर्कर्स, आशा सुपरवाइजर और महिला स्वास्थ्य टीमों की बैठक ली। इस बैठक में चिकित्सा अधिकारी ने डेंगू को रोकने के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से पाली में डेंगू का कहर बढ़ रहा है और ऐसे में डेंगू के कहर को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने एक बैठक भी ली, बैठक की तस्वीरें देख सकते हैं, जिसको बैठक में डेंगू के बढ़ते केस पर रोकने को लिए जारी निर्देश भी किए गए हैं। और ऐसे में हर वो जानकारी ली गई, हर वो दिशा निर्देश दिए गए, जिससे जल्द से जल्द डेंगू के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके।
सासाराम में अभी से दीपावली की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। बाजारों में तरह तरह के खरौंदे बिकने शुरू हो चुके हैं और लकड़ी और प्लाईवुड के बने खरौंदों की डिमांड भी देखी जा रही है। पिछले 2 सालों से लोगों ने दीपावली का त्यौहार उल्लासपूर्वक नहीं मनाया था। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लोगों ने त्यौहार मनाया था, लेकिन इस बार लोगों को कोरोना से कुछ हद तक राहत मिली है। तो रोहतास की ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोग दिवाली की तैयारियों में जुट चुके हैं और ऐसे में बाजारों में तो रौनक दिख ही रही है। ऐसे में छोटे छोटे घरौंदे भी बाजारों में बिक रहे हैं। आपको बता दें, पिछले काफ़ी समय से कोरोना की वजह से बाजारों में पाबंदी लगी हुई थी, गाइडलाइंस जारी की गई थी। ऐसे में लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के मामले भी थम गए हैं और अब गाइडलाइंस भी उतनी नहीं हैं जिस हिसाब से पहले थी, तो ऐसे में लोगों को राहत बहुत मिली है और इसीलिए एक बार फिर से बाजारों में रौनक भी लौट आई है। ये 2 साल गैपिंग के बाद इस तरह का हम लोग मतलब तैयारी किए हुए हैं कि विधिवत इस बार दीपावली हो और माँ लक्ष्मी का आगमन हो हर घर में। इस मंदिर से हर जगह पर पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। रोहतास के नौखा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई, वहीं उसके भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। दोनों भाइयों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वारदात के बारे में बताया जाता है कि गांव में ही कुछ लोगों ने पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, उसी विवाद में फायरिंग कर दी गई जिसमें भीम सिंह के सिर में गोली लग गई। वहीं मारपीट में उसके बड़े भाई भी घायल हो गए हैं। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो रोहतास का ये पूरा मामला है जहां पर आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और ऐसे में मामले की छानबीन में तो पुलिस जुटी गई है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में युवक को गोली मार दी गई जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। साथ ही इस विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपसे विवाद हुआ था, उसमें एंटी पार्टी वाले उसको गोली मार दिए। उसके बाद में हम लोग नोखा ले गए, नोखा से रेफर हुआ तो हम लोग सदर अस्पताल सासाराम लेकर के आए इलाज के लिए। अच्छा, तो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। उसको कौन गांव का मामला है? चतरगुन टोला का दावा। रोहतास के कोचस ब्लॉक के नरपर पंचायत को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत चयन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मिशन को नरपर पंचायत में लागू किया जा रहा है और इसके लिए फंड भी आवंटित कर दिया गया है। बीआईटी मेसरा के अभियंत्रण के रिसर्च छात्रों ने पिछले दिनों नरवर पंचायत में आकर सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद नरवर पंचायत में कई तरह के कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही जन अधिकारी पार्टी से जुड़ी और निवर्तमान महिला मुखिया सीता यादव ने बताया कि रूरल अर्बन मिशन की तरफ से पंचायतों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में नगर पंचायत पूरे प्रदेश में बेहतर विकास का मापदंड भी स्थापित करेगा। तो ऐसे में आपको बता दें, रोहतास में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है और नरवर पंचायत को चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।